हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविश अकेडमी। आपको पता है कि BHU जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इस बार CUET फर्स्ट टाइम हो रहा है, हमें सबको पता है। CUET के अंदर BHU इंक्लूड हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम CUET के इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं कर रखी है। तो इसको लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पा रहे। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के स्पेशली मैंने बनाई है कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम CUET की इंफॉर्मेशन बुलेटिन की देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो आप CUET की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। अगर आपको मास्टर इन जूलॉजी करना है तो यहाँ पे दे रखा है कि BSc ऑनर्स जूलॉजी होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ओनली हाफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ही मेंशन किया है, हाफ एलिजिबिलिटी को ही मेंशन किया है। बाकी एलिजिबिलिटी आपको कहाँ से चेक करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी सेम चीज़ यहाँ पे बॉटनी के साथ भी इन्होंने कर दिया है, बॉटनी में भी यहाँ पे BSc ऑनर्स बॉटनी दे दिया गया। तो मैं आपको बता दूँ, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना होगा। BHU की ऑफिशियल वेबसाइट जब आप विज़िट करोगे तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको जाना है पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इसकी BHU की, तो वो आपको डाउनलोड करना है। तो जब आप यहाँ की BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी में जाना है, मास्टर इन जूलॉजी बॉटनी। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे साफ दे रखा है या तो आपका BSc ऑनर्स होना चाहिए या फिर आपका 10+2+3 मीन्स नॉर्मल BSc होनी चाहिए विथ 50%, ओके। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि आपका जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो वो सब्जेक्ट यहाँ पे या तो ऑनर्स होना चाहिए या फिर यहाँ पे स्लैश करके ले रखा है स्टडी सब्जेक्ट, ऑल थ्री है, तीनों ईयर में आपका एटलीस्ट जूलॉजी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। प्लस यहाँ पे केमिस्ट्री जो पहले था वही है कि केमिस्ट्री आपका एटलीस्ट एक बार आपने केमिस्ट्री अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ी होगी तो आप यहाँ पे बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए एलिजिबल हो। तो ओवरऑल यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग कोई भी एलिजिबिलिटी चेंज नहीं हुई है। आपको एडमिशन BHU देगा एंड BHU ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 2020 की बुलेटिन अपलोड कर दी है। तो वहाँ से देख के आप अपनी जो बुलेटिन एलिजिबिलिटी है मैच कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड आपको पता है कि BHU जूलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की जो पेपर सॉल्यूशन है मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।